आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सभी से शेयर करने वाले हैं। हालांकि वीडियो में भर भर कर गाली आएगा जिनका एग्जाम खराब चला गया है, डिसलाइक करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक काम करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना आप जहां पर भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, पढ़ते हैं, जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर किसी का भी प्लस कोर्स दिए होंगे, उनको जाकर मेरा वीडियो दिखाइएगा। सर लोग मेरी बात को नकार नहीं सकते, उन सर जब जहां जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनके पास जाइएगा और बोलिएगा ये जो सर बात कर रहे हैं वो बात सही बोल रहे हैं सर, वो टीचर बोलेगा ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम इसको गाली दे रहा है इसका मतलब तुमने तैयारी सही से नहीं किया, लेकिन ये जो बंदा बात बोल रहा है ना ये बात में इसका 100% दम है, मैं बता रहा हूं क्या। अगर आप मान लो एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं ना 10+2 का, किसका, सीएचएसएल का, अब आप मान लो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे उनका एग्जाम तो बहुत अच्छा जा रहा होगा, बहुत अच्छा जा रहा होगा, मस्त जा रहा होगा। अब ये नहीं बोल सकते पेपर मैथ का बहुत हार्ड आ रहा है, रीजनिंग हार्ड आ रहा है, एक बात समझिएगा, अगर आप किसी एग्जाम को लेकर सपना देख रहे हैं कि मुझे इसमें ही जॉब करना है, इसमें जॉब पकड़ना है, और आपका ये सपना है, बाकी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको ये एग्जाम किसी भी कीमत पर निकालना है, क्योंकि मेरे परिवार का बहुत सारा सपना जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आप इस एग्जाम को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसके प्रति सपना देख रहे हैं। तो जब तैयारी किए होंगे, मैं ये नहीं बोला बहुत पढ़ना है, आपने जब इसका सपना देखा है और एग्जाम करवा कौन रहा है, तो एग्जाम करवा रहा है भैया एसएससी। तो एसएससी का जो रिसेंट में एग्जाम हुआ, हाल फिलहाल में आपका सपना है ना ये, तो हाल फिलहाल में जो एसएससी एग्जाम करवाया सीजीएल का, प्लस और कौन सा एग्जाम करवाया आपका सीपीओ का, तो उसका जो भी पेपर आपके प्री के एग्जाम में आया हुआ होगा उसका आपने कम से कम पैटर्न देखा होगा, एनालाइज देखा होगा, नोट्स बनाया होगा, एक एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में उसके आधार पर बन रहा है, प्लस इतना बस आपको इतना काम करना था और 1 से 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएचएसएल का सॉल्व करना था। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं कि पूरा 18-20 साल का पढ़ो, पूरा मैथ का चैप्टर पढ़ो, बस आपने अगर लास्ट 2 साल का इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, प्लस हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ उसके नोट्स देखे होंगे, आज तो ओपन है, पूरा ओपन है, हर एक नोट्स, हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन मिल जा रहा है, इतना सारा भर भर कर एनालाइज मिल रहा है, तो कम से कम आप इतना तो देखे होंगे ना। और जो भी मैथ रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहा है, हर एक टीचर मेरी बातों से इत्तफाक मतलब एग्री करेगा कि ये जो बंदा बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, एलजेब्रा बोलो, ट्रिगो बोलो, मेंसुरेशन बोलो, घिसा पिटा एक एक सवाल जो एग्जाम में पूछा जा चुका है उसके ऊपर बन रहा है, बस डाटा चेंज है। कहने का मतलब है अगर 4+5 करे तो कितना होता है, आप बोलेंगे 9 होता है, अगर मैं बोलूं 2+3 कितना होता है तो आप बोलेंगे 5 होता है, यानी आ रहा है आपका बस प्लस, यही चीज आपको एग्जाम में मिल रहा है, बस डाटा चेंज है, और आपको बहुत दूर नहीं पढ़ना है, बस इतना आप अगर करते, अगर सही मायने में मेहनत कर रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन 25 का 25 क्वेश्चन आप एग्जैक्टली सॉल्व कर आते, इतना तो मेहनत किए होंगे। अगर आपका बहुत बड़ा सपना है जॉब करना है, हर एक चीज से चीज को नकार कर इसके प्रति सपना देख रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं, देखो क्योंकि ये बोल कौन सकता है, ये बोल वही सकता है जो अपना कोर्स नहीं बिक्री करता। मैं कोर्स बिक्री नहीं करता हूं, अगर जो टीचर कोर्स बिक्री करे तो वो ये सब बात वीडियो में आकर बोलेगा ही नहीं, वरना बंदा कोर्स खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कोर्स खरीदने का, अब जिनका एग्जाम खराब गया है वीडियो को डिसलाइक करेंगे, गाली देंगे, एग्री नहीं करेंगे, लेकिन एक बार आप जहां से पढ़ाई किए उस टीचर के पास जाना और बोलना सर जी आप कसम खाकर बोलिए ये जो सर बोल रहे हैं वो बात सही बोल रहे हैं कि गलती बोल रहे हैं, वो टीचर अगर कसम खाकर बोल देना ये बंदा गलती बोल रहा है, पढ़ाना छोड़ देंगे। हर एक क्वेश्चन छपा छपाया मिल रहा है, मैंने भी प्रीवियस ईयर 19 का क्वेश्चन जो है वो 10+2 का सॉल्व करवाया था आप सभी को, 18 वाला एलजेब्रा का पूरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन उसके ऊपर बन रहा है, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। आपको जो काम करना था, अभी मैं इंग्लिश पर आ रहा हूं, आपको जो काम करना था वो कहां करना था, जीके, जीएस और करंट अफेयर पर, इंग्लिश के ऊपर भी आ रहा हूं।
अगर आप जीके भी जो है वो उतना हार्ड नहीं आ रहा है, एग्री करोगे? जीके में अगर आप क्वेश्चन उठाकर देख लो, श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? दूध से जुड़ा हुआ है। इब्राहिम लोदी राजा कब बने थे? तब बने थे। हवा महल में कितनी खिड़की है? सीजीएल का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है, जो बेसिक है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इब्राहिम लोदी कब बना था राजा, ये सब पता है ना। बात करते हैं करेंट अफेयर का। आपको जो ढंग से पढ़ना था वो ये चीज पढ़ना था। और एक भी टीचर जो मेरे से पढ़ा है, ऑनलाइन ही पढ़ा है, फ्री में पढ़ा है, पैसा लेकर नहीं, फ्री में पढ़ा है, वो बोल दे भैया जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ ना सीजीएल, और इसका जो अभी 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, उसमें जितने भी करंट के क्वेश्चन थे वो आपके क्वेश्चन के बाहर देखने को मिला है। बोल ही नहीं सकता, एक एक क्वेश्चन करवाए हैं आप सभी को। मैं ये नहीं बोलता आप सभी को कभी भी कि एग्जाम से पहले 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन पढ़ लो। मैं हमेशा बोलता हूं एक भी क्वेश्चन मत, अब छोड़ना नहीं है। मैं रात दिन एक कर पिछले 1.5 महीना से पूरा करेंट अफेयर रात को 11:30 बजे रिवीजन करवाए, बिना एक क्वेश्चन छोड़े। हर महीने में 350-400 क्वेश्चन करवाए हर एक महीने का। और मैंने ये भी बोल रहा हूं जब जब क्लास करवा रहा हूं दिखा भी रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बना है, और क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। आपको अगर मान ले 25 क्वेश्चन का वो चैप्टर है, और हाँ विश्वास नहीं है मेरे पर ना, आप मेरा पीडीएफ डाउनलोड कर उसमें कंट्रोल एफ मारिएगा और जो क्वेश्चन आया वो सर्च मारिएगा, आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं भैया, हर एक क्वेश्चन वहां से बन रहा है। रात को मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, बैंक का सीईओ कौन है, एम्बेसडर कौन है, कौन सा संगठन कब लॉन्च हुआ, कब बना, ये सब क्वेश्चन तो करेंट अफेयर के साथ साथ हजारों बार आपको यहां पर लिख कर मैं बता रहा हूं हर एक चीज। तो यहां पर बोल सकते हो आपको करेंट अफेयर को बहुत, आपको जहां पर पढ़ना था सही से वो ये पढ़ना है। तो जिनका भी आने वाला शिफ्ट है मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं रात दिन जग कर, 2 दिन जग जाओ। अभी तो पूरा ओपन है, यूट्यूब है, इतना ऑनलाइन मोबाइल में नेट है, हर एक टीचर का एनालाइज मिल जाएगा। आप जो भी खोजेंगे आप खोजो, रात दिन जग लो अगर आपका ड्रीम है तो। जग कर सीजीएल के जो क्वेश्चन आए हैं, सीपीओ के आए हैं, और अभी जो एग्जाम हुआ है लास्ट 2 साल का, उसके पेपर देख लो, सॉल्व कर लीजिए, बहुत सारा टीचर का एनालाइज मिल जाएगा। अलग अलग चैनल पर उनका वीडियो देख लो, आप बोलेंगे एक एक क्वेश्चन मैथ का बस वहीं से बन रहा है। आप जाकर पूछ लें टीचर से मैं गलती बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। अगर आपको बहुत दिन का नहीं पढ़ना है पूरा मैथ, पूरा किरण प्रकाशन, आर एस अग्रवाल, पूरा कोचिंग करना है, ये सब नहीं करना है, नॉर्मल अगर मेहनत किए हो तो। और एग्जाम से पहले ऑनलाइन के जमाना में कम से कम 10 से 12 मॉक टेस्ट तो आपने दिया ही होगा ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ। ये होता है बेस तैयारी एग्जाम से पहले। ज्यादा कहां पढ़ना है, बहुत नॉर्मल पढ़ना है। अब बात करते हैं इंग्लिश का। अगर आपको पता है आपका इंग्लिश कमजोर है, मैंने क्या बोला था, डेली आप एक आर्टिकल पढ़ो। अब बहुत सारे टीचर के एनालाइज में मैं सुन पाया हूं इंग्लिश जो है वो प्रीवियस ईयर का बहुत सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ रहा है, कितने सारे टीचर बोल रहे हैं एनालाइज में, सब करवाया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप लास्ट के 2 साल के पेपर भी देख लेते हैं ना, तो इंग्लिश इतना भी खराब नहीं है कि भैया 10-12 नंबर हम स्कोर ना कर पाए। अगर एग्जाम से ठीक पहले इंग्लिश के ऊपर डेली 1 घंटा दिए होंगे, भैया डेली आपको देना पड़ेगा 1-1 घंटा कम से कम, इतना समय तो देना पड़ेगा अगर आप एक सपना लेकर चल रहे हैं इसके पीछे। तो यही होता है बेहतरीन तरीका, वरना आज अगर एग्जाम खराब चला गया तो मेरी बात सुनने में बहुत कड़वा लग रहा होगा, गलती लग रहा होगा, गाली देंगे, आज कड़वा लग रहा होगा। अगर कोई चीज सही नहीं होता है ना और कोई आईना दिखाए तो उसकी बात बहुत खराब लगती है, बहुत खराब लगता है उसकी बात। लेकिन 10 से 12 दिन के बाद सोचिएगा मेरे बारे में, ये बंदा सही बोल रहा था गलती बोलेगा। आपको मेरा याद आएगा कि जो भैया बोल रहा था ना सक्सेस की 98 पर, वो बात तो सही बोल रहा था। हम प्रीवियस ईयर के जैसे भी क्वेश्चन उठाएं, ज्यादा दूर नहीं, पूरा 20-25 साल का नहीं, लास्ट 2 साल के बस इसका पेपर सॉल्व करना था और सीजीएल सीपीओ का, तो आप बोलेंगे भैया तो बात तो सही बोल रहे थे, हर एक क्वेश्चन वहां से बन रहा है। और हम, मेरा सपना भी है ये बनना, एग्जाम निकालना, तो हम इतना तो दिमाग में आया ही होगा जो एसएससी हाल फिलहाल में एग्जाम करवा रहा है उसकी पेपर तो सॉल्व कर जाना ही चाहिए था हमें क्या। और इंग्लिश में हमेशा बोल रहा हूं लास्ट 2 साल का पेपर सॉल्व कर लो, काम बन जाएगा। और अभी भी बोल रहे हैं करेंट अफेयर में ना, आप देखो अब तो बहुत लेट हो चुका है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं, अक्टूबर
अक्टूबर भी काट दो भाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतने दिन के कम से कम करंट अफेयर रट्टा मार लो बिना क्वेश्चन छोड़े। और वो भी वो क्वेश्चन नहीं जो टीचर बोलते हैं 200-300 क्वेश्चन पढ़ लो उसके अंदर से आएगा, बिल्कुल नहीं। अगर वो टीचर ऐसा बोलता है इसका मतलब आपको बोल रहा है जुआ खेलो। अगर इसके अंदर से आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो बस आप डूबेंगे, टीचर नहीं डूबेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है बिना एक क्वेश्चन छोड़े हुए भी। बहुत जन को डेढ़ महीना पहले जब मैंने क्लास स्टार्ट करवाया था 7 महीने का करेंट अफेयर रिविजन करवा चुके, ऑलमोस्ट 3000 प्लस क्वेश्चन करवा दिए यहीं पर रात को 11:30 बजे, 1-1 घंटा जग कर आप सभी के लिए। डेढ़ महीने में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया करेंट का सारा क्वेश्चन आप करवाया हुआ आ रहा है, प्लस मैं जीके जीएस का 1500-1500 का आपको पीडीएफ दिया था। 3 महीना से चिल्ला रहे हैं, कितना बार वीडियो बनाकर बोले कि 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ ये दिए हैं, 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ ये दिए, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। कितना वीडियो बनाए पीडीएफ को लेकर कि आप डाउनलोड कर लीजिए, डेली 50-50 पढ़ेंगे तो महीने में 1500 हो जाएगा। लेकिन बात बोलते हैं ना, अगर आज ये सब बात सुन रहे हैं एग्जाम के टाइम तो बहुत खराब लग रहा होगा। बिल्कुल पैनिक मत हो आप सभी, एग्जाम आप सभी का बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया आपका ये सारा क्वेश्चन करंट वाला क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन मोटा मोटी आसान बन रहा है, और रीजनिंग में भी आप सभी इतना तो काबिल है। रीजनिंग का मैं रिव्यू नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मुझे इतना अपने ऊपर विश्वास है, रीजनिंग का एक चैप्टर भी ऐसा नहीं छूटा है जो मैंने नहीं करवाया है। आप कोई भी चैप्टर सर्च मारना, मैंने इस लेवल तक का तैयारी करवाया है आप सभी को, और एग्जाम में क्वेश्चन इस लेवल तक का आ रहा है। आप देख लो खोलकर, कोई भी वीडियो सर्च मारोगे ना, कोई भी वीडियो रीजनिंग का नाम बोलकर आप देखोगे भैया तो लेवल बहुत हाई करवा दिए बेसिक लेवल से और एग्जाम में यही पर आ रहा है। अभी मेरा कोई भी बात आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, गाली निकलेगा आपके मुंह से, डिसलाइक कर कर जाएंगे, कोई भी बात मेरा पल्ले नहीं पड़ेगा। ये मेरा बात कौन समझ सकता है? एक ईमानदार टीचर, जो टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहा है, पैसे के पीछे पागल नहीं है, वो टीचर बोलेगा ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है जो भी आज वीडियो में बोल रहा है। लेकिन जो टीचर कोर्स बेच रहे हैं हो सके कुछ क्षण के लिए वो बोल दे गलत बोल रहा है, लेकिन आपको अगर प्रूफ करना है, एनालाइज करना है, जज करना है मेरी बातों को, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा और जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। आप बोलेंगे भैया ज्यादा दूर नहीं, अगर लास्ट 2 साल का पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया जाए ना तो भैया हर एक क्वेश्चन हम सभी इतना तो कैपेबल है कि हम सभी कर सकते हैं, इतना एबिलिटी हमारे अंदर है। एग्जाम से पहले वो हम क्यों बोलते हैं कि मेहनत रंग लाने चाहिए, इसीलिए बोलते हैं, यही सब मेहनत है। और ये मेहनत बहुत 5-6 महीना का नहीं है, 25-30 दिन का मेहनत है मैथ वाला। आपको हर एक टीचर का एनालाइज आपको यूट्यूब के चैनल के ऊपर मिल जाएगा, नोट्स बना लीजिए उसके ऊपर काम करिए, 10-15 मॉक टेस्ट दीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, समझ रहे? तो जिनका भी आने वाला एग्जाम है मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी मेरे भाई बहन से ना, 2 दिन रात को पूरा जग जाओ, नहीं सोना है, सोकर क्या मिलेगा, इसी तरह जगकर कुछ मिल नहीं रहा है तो सोकर भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा क्यों ना करे रात को जगकर YouTube के ऊपर जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, नॉट जीके जीएस एंड इंग्लिश, ठीक है, इनको छोड़कर बस आपको रीजनिंग में नहीं देखना है, बस मैथ देखना है। क्योंकि मैथ का आज का जो पेपर आया था थोड़ा मॉडरेट लेवल का आया था, और मॉडरेट मतलब क्या, अब आपको हर चीज हलवा नहीं मिल सकता है। अब मान लो एक क्वेश्चन आपका बहुत एग्जाम में बच्चे फंस गए थे, मुझे क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आया था, बहुत जन, एक तो बच्चा मुझे मैसेज किया भैया ये क्वेश्चन एग्जाम में बना ही नहीं, हम सभी से एक क्वेश्चन ये था आप सभी का, 1-10x 1+10θ बराबर 10 30/10 60, ऐसे कुछ था आप सभी का क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, ठीक है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, और आप सभी को बुरा था शायद कॉट समथिंग कुछ निकालने के लिए बोला गया था। तो आपको क्वेश्चन में करना क्या था, अगर आपने इतना, अगर ये क्वेश्चन दिया गया आप सभी को पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, अगर ऐसा चीज दिया गया है तो a+b a-b इसी फॉर्म में दिया गया है, इसी फॉर्म में दिया गया है, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, इसको कर दो 10 60, इसको कर दो 10 30, इसी फॉर्म में तो दिया गया, ये चीज लिखो या फिर ये चीज लिखो, एक ही तो बात है ना, बात तो एक ही है भैया,
एक ही बात तो है, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे कर दिए। और जब ऐसा फॉर्म में आता है तो हम सभी क्या करते हैं? हम सभी कुछ नहीं करते हैं, ऊपर में प्लस दिया गया है तो प्लस करते हैं ऊपर से। देखो एक बार मैं समझा दे रहा हूं, बस थोड़ा सा अगर आपको डाटा याद है ना, ये सब चुटकी में क्वेश्चन बनता है। अगर आपको इतना पता है ये चीज दिया गया है और तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में प्लस है तो ए प्लस बी, ऊपर में प्लस करना है ए माइनस बी, हो गया। नीचे क्या करना है? नीचे करना है माइनस, है ना, ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, यानी ऊपर वाले से नीचे वाले को प्लस करना है, नीचे में माइनस है तो ऊपर वाले को माइनस करना है, काम खत्म हो गया। और यहां पर अगर आपका ये दिया गया है, अगर मान लो टेन सिक्सटी टेन थर्टी दिया है तो पता है अंडर रूट थ्री वन बाई अंडर रूट थ्री। अगर मान लो इस चीज को आप हटा दो, नॉर्मल समझो एक्स, आप मान लो ये दिया गया जेड और वाई, मान लो ये दिया गया है आप सभी का जेड और वाई, ठीक है, तो यहां पर भी सेम चीज फॉलो करेगा, यहां पर भी जेड प्लस वाई, यहां पर भी वाई माइनस जेड, सेम चीज वही चीज। तो यहां पर अगर आप चीज देखोगे ध्यान से, क्या होगा, ये बी और ये बी आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, आपका दो ए बचेगा, बचा। ये अल्टीमेट आपको प्रैक्टिस इतना करेंगे आप निखर जाओगे। यहां पर a माइनस बी माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो a a आपका कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा आपका 2b। तो अल्टीमेट क्या बचता है, a माइनस बी बचता है, a माइनस बी का मान पता चल जाएगा, यहां से सॉल्व कर दो, टेन का उल्टा कॉट, आंसर निकल गया। लेकिन ये कब होगा, जब आप प्रीवियस ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में नहीं कर पाए, बहुत जन नहीं कर पाए। अब यहां पर बहुत कुछ, यहां पर पूछ सकता है cos x, sec, sin, कुछ भी लगा दे, बस ये फॉर्मूला याद है, काम बन गया। आपको पता है अल्टीमेट a माइनस बी आएगा। अगर मान लो आपको इसी फॉर्म में लेकर जाना है तो a माइनस बी माइनस ए प्लस बी होगा उसी फॉर्म में, फिर माइनस में माइनस बी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, सेम चीज है, यही चीज है। लेकिन आप अगर काम किए हैं तब तो आप ये सब एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तो मेहनत का मतलब क्या होता है, टीचर का कोर्स खरीद कर बस पढ़ रहे हैं घिस रहे, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। टीचर आपको मतलब पढ़ाएगा, आपका भी तो दिमाग है कि हमें एग्जाम से पहले क्या करना है। टीचर अपना कोर्स बेच रहा है, आपको क्या करना है, आपको दिमाग में आना चाहिए। अगर एग्जाम देने जा रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं ऐसे कैसा कैसा पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। टीचर नहीं समझाएगा, वहां पर टीचर तो यही बोलेगा, एक वीडियो मैं बनाऊंगा आप सभी के लिए बहुत लाजवाब, कि आप गलती करते क्या हैं, वहां पर गिरते क्यों हैं, टीचर के जाल में फंसते क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम है, आप कर सकते कि नहीं कर सकते, सब समझाऊंगा। अभी नहीं, आप लोग एग्जाम बहुत अच्छे से दो, एग्जाम खत्म होते हैं ना उसके बाद, अभी आप बिना प्रेशर का लो। और हां, आप सभी काबिल हो कि आप एग्जाम आप अच्छे से दोगे, जितना भी मेहनत किए हैं भूल जाओ, इसके बलबूते पर भी अभी भी आप प्री एग्जाम निकाल सकते हो। मेंस बाकी है ना, मेंस के लिए बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्या करना है बताऊंगा। अभी इस वीडियो में बस इतना ही, बस अपने अंदर ये रखो कि जितना मेहनत किए हैं सही तरीके से सही डायरेक्शन में, वो मेहनत रंग लाना चाहिए। एग्जाम से निकलकर मॉडरेट आया बोलने से पहले ये देख लो कि मेरा मेहनत कहां पर था, हमने ये चीज देखा कि नहीं देखा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन जिनका भी एग्जाम आने वाला है।